तो हम आज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर सेकंड लेक्चर हमारा है और इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए H2 गैस। अब H2 गैस के बारे में क्या जानते हैं, शुरुआत से लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट। H2 गैस के बारे में मैं इतना जानता हूं, इसका मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल, नहीं 2 ग्राम में होता है। H2 गैस के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आगे करेंगे, लेकिन हाँ इसको गैस फॉर्म में रहता है इसलिए हम इसको H2 गैस बोल रहे हैं। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस। तो जनरल मेथड आपके पास कौन से मेथड रहेंगे, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहां पर जो हम बनाएंगे, फर्स्ट मेटल प्लस एसिड, दूसरा होगा मेटल प्लस बेस, तीसरा रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस और चौथा रहेगा हमारा मेटल हाइड्राइड। और एक और हमारा रहेगा मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर। सिंपल मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करने पे भी हाइड्रोजन गैस आती है। इन सबको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फिफ्थ नंबर वाले को पढ़ेंगे हम, मेटल प्लस वाटर। इसमें जो मेटल होगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव मैटर, हाईली रिएक्टिव मैटर। कौन होगा हाईली रिएक्टिव मैटर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये सारे बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं। इधर से बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम, ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल आएंगे। तो जब आप सोडियम की रिएक्शन डायरेक्ट वाटर के साथ करते हो, कोल्ड, बहुत ज्यादा हॉट चाहिए ही नहीं, तो भी आपके पास NaOH प्लस H2 गैस मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है तो हम उस कंडीशन में स्टीम यूज करते हैं, जैसे आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम है, तो फिर हम H2O कोल्ड नहीं लेके क्या ले लेते हैं, स्टीम यानी हॉट, तो भी आपके पास Fe2O3 बैलेंस हम नहीं कर रहे लेकिन हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हो गया, स्टीम कब चाहिए। जिंक, एल्यूमिनियम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये भी हाइड्रोजन गैस देते हैं लेकिन स्टीम के साथ। स्टीम की जगह आप हॉट भी लिख सकते हो, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम आपके लिए क्या है, ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अब अगला पॉइंट, मेटल एसिड, बहुत बड़ी लिस्ट है, ज्यादातर मेटल एसिड के साथ H2 गैस देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं सेकंड मेटल प्लस एसिड, जैसे मैंने जिंक लिया, जिंक लेने के साथ मैंने H2SO4 ले लिया, ये लैबोरेटरी में भी यही यूज करेंगे, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस बनती हुई दिखाई देगी, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। अब आप H2SO4 की जगह यहां पर अदर एसिड कौन से ले सकते हैं,
H2SO4 तो ले ही सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HNO3 डाइल्यूट भी ले सकते हैं, लेकिन HNO3 कंसंट्रेटेड मत लो, क्योंकि यहां दिक्कत क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो जिंक को ऑक्सीडाइज में लेयर में ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो फिर फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, तो ये मत लेना। कोई डाउट? हम हमेशा ऐसे डाइल्यूट ही ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कंसंट्रेट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज जिंक का काम कर देंगे, और जिंक जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर हाइड्रोजन गैस लिब्रेट नहीं करेगा। HNO3 कंसंट्रेट जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा ZnO में, और ये उसके बाद ZnO में चेंज हो जाएगा, बाकी ये फिर H2 गैस नहीं देगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको समझने, लिख लो। यही कारण है कि हम जिंक जब भी यूज करते हैं तो जिंक का पूरा प्लेट नहीं यूज करते हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। जिंक को जितना पतला कर सकते हैं, चिप्स जिसे बोलते हैं, वो चिप्स का यूज करते हैं जिससे सरफेस एरिया मैक्सिमम आ सके, मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सके एसिड के साथ। कोई डाउट नहीं है? यहाँ H2SO4 भी मैं डाइल्यूट ही लूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी रहेगी, कंसंट्रेट नहीं लूंगा क्योंकि, ठीक है, ओके। ये तो रहा हमारा पास थर्ड सेकंड पॉइंट। अब आता है वाटर के साथ आ गया, मेटल के साथ आ गया, एसिड के साथ आ गया, अब बेस के साथ कुछ बेस थर्ड पॉइंट, यानी मेटल मेटल प्लस बेस भी हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं, और इस तरह के मेटल हमारे लिए हो जाएंगे एम्फोटेरिक। क्या हो जाएंगे? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मैटर। इसकी इस कैटेगरी में क्या होगा, एल्यूमिनियम आएगा, टिन आएगा, पीबी, ये सब आएंगे हमारे पास, सिलिकॉन। सिलिकॉन वैसे मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन ये एम्फोटेरिक है, तो ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। लिखें इसको, लिख लिया। जिंक भी हमारे इसी कैटेगरी में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहा हूं NaOH के साथ, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे ही बाकी भी मैं अपने अपने एल्यूमिनेट या मेटा कंपाउंड्स जनरेट करेंगे, बिल्कुल इसमें हो सकता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट, एक और है हमारे पास मेटल हाइड्राइड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड प्लस वाटर भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं सोडियम हाइड्राइड प्लस NaOH प्लस H2O, तो NaOH प्लस H2 गैस लिबरेट होगी। और बेटा यहाँ पर जो NaH है और H2 दे रहा है, तो इसका मतलब ये H2O में से H दे रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक H यहाँ का होगा, एक H यहाँ का होगा। एक और चीज, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इसको जनरेट कर रहा है बाय दिस, तो इसका मतलब ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हमेशा कोई भी बेस अपने से वीक को निकालता है, तो सामने वाला स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो NaOH और NaH में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
NaH, लिखें इसको। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस, फोर्थ फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो दोस्तों, हम जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस और गैसेस से अलग है। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एकमात्र गैस है जो केटायन से बनती है, बाकी गैसेस किससे बनती है? एनायन से। तो नॉर्मली हम इस पॉइंट पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म बाय केटायन, केटायन मतलब एच प्लस, सो इट कलेक्ट ऑन कैथोड। ये कैथोड पे ही मिलेगी क्योंकि केटायन कैथोड की तरफ जाता है, नेगेटिव पोल की तरफ। कैथोड क्या है यहां पर? नेगेटिव पोल। वेयर एज अदर गैसेस लाइक O2, Cl2, जो भी गैस आपको दिख रही है, अगर यहां पर हम बात करेंगे तो Br2 भी गैस की फॉर्म में मिलेगी इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर्म बाय एनायन यानी O-2 या Cl- इनसे बनेगी। वैसे O2 O-2 से नहीं बनती, OH- से बनती है, तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, बन तो एनायन से रही है। और सो दे कलेक्ट ऑन एनोड, एनोड पे कलेक्ट हो रही है। तो अगर मैंने कलेक्शन किया, ध्यान से सुनना, ये कंटेनर लिया, इसमें मैंने वाटर फिलअप कर दिया और डाइल्यूट H2SO4 रखा, ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मैंने एक मेटल रोड लिया जिसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, और दूसरी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया। तो बताइए यहां ये तो है एनोड क्योंकि पॉजिटिव है एनोड, और ये है कैथोड, तो H2 गैस कहां होगी? यहां पर। और O2 गैस कहां होगी? यहां पर। यानी कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो रहा है, एक तरह से 4OH- कन्वर्ट हो रहे O2 प्लस H2O में। क्लियर है? और कैथोड पे क्या हो रहा है? इस तरह से है, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यहां चार इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहां पर भी चार करने के लिए मेरे पास क्या होगा? 2H2। इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब जाके ये एक दूसरे को चार्ज वाइज बैलेंस कर पाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर यहां वॉल्यूम एक्स आ रहा है ML, तो पता है यहां वॉल्यूम कितना होगा? 2X। H2 का वॉल्यूम जस्ट डबल होगा क्योंकि 2 मोल जनरेट हो रही है, यहां पर 1 मोल। कोई डाउट नहीं है। हम यहां डाइल्यूट H2SO4 क्यों ले रहे हैं? जिससे कंटेनर में आयंस बढ़े और कंडक्टिविटी बढ़े। समझ में आ रहा है बात? लिख लें इसको। तो ये हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया है इसके अंदर और हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्योर हाइड्रोजन लेना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम प्योर हाइड्रोजन कैसे लें भाई? इसमें प्योर हाइड्रोजन क्यों नहीं मिल रही है? उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि सल्फेट आयन भी अपने आप में कुछ SO2 वगैरह बना लेता है। तो अगर आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए किसी भी रिएक्शन में, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फिर
H2SO4 मत लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड लो। अगर कुछ भी हाइड्रोलिसिस करना है तो आप इस जगह से लो। तो फॉर यहां पर की पॉइंट लिखाएंगे, की पॉइंट ये रहेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्योर हाइड्रोजन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्योर हाइड्रोजन, वी यूज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हॉट यानी गर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 एंड इलेक्ट्रोड मेटल, जो हम मेटल यूज कर रहे हैं, ये ऐसा मेटल होना चाहिए जो बेस के साथ रिएक्शन ना करे। इलेक्ट्रोड मेटल इज प्लेटिनम, प्लेटिनम ले लो या फिर गोल्ड ले लो, लेकिन आप बेस्ट लेना चाहते हो तो प्लेटिनम लो। तो आपको आपको प्योर हाइड्रोजन मिलेगी। पहले में क्या दिक्कत थी, क्योंकि कुछ सल्फेट आयन SO2 में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि H2SO4 आप जो मेटल लोगे वो भी आपको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो बहुत सारे क्या कहते हैं, एरर आपको देखने को मिलेगी, इम्प्योरिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको प्योर हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। लिख लिया आपने? तो चलिए हम हाइड्रोजन गैस को, एक और बहुत कॉमन मेथड है जिसको हम बॉश प्रोसेस कहते हैं, उससे हम बना रहे हैं। कार्बन सॉलिड है, ध्यान से सुनना, बॉश प्रोसेस क्या किसके काम आता है, हाइड्रोजन गैस बनाने के, कॉमन मेथड है हाइड्रोजन गैस बनाने का। यहाँ पर कोयले की जगह आप कार्बन सॉलिड यानी वुड भी ले सकते हो, आप ग्रेफाइट, कोक, कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ कोक यूज किया है। स्टीम, बहुत हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री, और कैटलिस्ट निकल। तो हमारे को CO और H2 मिल गया, लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा और एक और H2 डाल दिया तो फिर वापस CO, बनी हुई CO H2 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस और बना देती है, CO प्लस H2। तो यहां पर आपके पास कुछ और रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस कर लेना आप, ठीक है? तो ये हमारे पास और हो सकती है, और उस तरीके में हमारे पास CO2, देखा जाए तो CO प्लस सही बैलेंस ही तो है, H2 गैस और निकल जाएगी। इस गैस को बोलते हैं वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, या SYN, सिन गैस, तीनों का मतलब एक ही है, वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, तीनों इसी के नाम है। तो जब ये वाटर गैस का मतलब क्या है, CO प्लस H2 का मिक्सचर। अगर आपने निकल और स्टीम ज्यादा ले लिया तो बनने वाली CO वापस H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, CO2H2। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन, यानी बनी हुई वाटर गैस अब CO2 में शिफ्ट हो रही है, समझ में आ रहा है? तो फाइनल में CO का अगर वॉल्यूम V है तो H2 का वॉल्यूम कितना होगा, 2V, क्योंकि 1 लीटर तो यहाँ से और 1 यहाँ से भी मिलेगा, पहले भी तो बना हुआ है। तो अगर वाटर शिफ्टिंग गैस के अंदर CO2 और H2 का रेशियो पूछा जाए तो 1:2, जबकि वाटर गैस के अंदर 1:1 होता है, कोई डाउट? तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, जो कि हमारे पास क्या है, बॉस प्रोसेस है। ऐसे ही लैन प्रोसेस भी हाइड्रोजन को बनाता है, तो लिख लीजिए लैन प्रोसेस, LANE। नेक्स्ट, लैन, LANE, लैन प्रोसेस, ये भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। इन दिस प्रोसेस क्या करते हैं, हम आयरन को H2 के साथ गर्म करते हैं, आयरन और H2, स्टीम यूज करेंगे हम, तो हमारे पास Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये हमारे हाइड्रोजन गैस दे रही है। और टेम्परेचर रखेंगे हम 550 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई टेम्परेचर है,
ठीक है लिखो। लिख लिया।